तो लास्ट लेक्चर में जो अपना एंट्रोपी का टॉपिक हुआ था, आज वैसे तो अपने तीन न्यूमेरिकल बाकी है। वैसे लास्ट टाइम गिरजा ने बोला था, तो वो भी आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम एंट्रोपी, दैट इज रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये जो हम लोगों ने कहा था, ये जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब भी स्टेट ऑफ स्टेट चेंज होती है, तो वहां पे हमेशा रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी जो है वो बढ़ती होती है। वो जो रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस ये ऑब्जर्व करने वाली चीज नहीं है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिर्फ कि सिस्टम और स्टेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रैंडम, लेकिन वो असल में रैंडमनेस कितना हो रहा है ये तो हम लोग कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि रैंडमनेस ये दिखने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए हम लोग एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज तो कैसे देते हैं, बाय फॉर्मूला डेल्टा एच अपॉन टी। आई होप बेटर रिमेम्बर दिस, करेक्ट? लेट मी शो यू नाउ। इफ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, अगर ये कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त एंट्रोपी दैट इज रैंडमनेस इंक्रीजेस, लिक्विड टू गैस जाते वक्त भी एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर हम लोगों ने सॉलिड की एंट्रोपी S1 कंसिडर की है, लिक्विड की S2 कंसिडर की है और गैस की S3 कंसिडर की है, तो S1 less than S2 less than S3, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। लेकिन हम लोगों ने ये भी दिखा था दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी ये स्टेट फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। मतलब क्या, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S ये कभी नहीं दे पाएंगे। हम लोग क्या दे सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, एंड दैट चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S इज गिवन एज डेल्टा एच अपॉन टी। और ये कैसे, देखो सॉलिड से लेकर लिक्विड में कब कन्वर्जन होता है, जब हम लोग उसे हीट करें, बराबर? हम लोग हीट कर रहे हैं मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बराबर? तो सिस्टम की एंथाल्पी जो है, एंथाल्पी इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इफ यू रिमेम्बर वेल, एंथाल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। मतलब हमें एंट्रोपी कैसे ढूंढनी है, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। मतलब क्या, हम लोग एंट्रोपी चेंज को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, इट इज एंथाल्पी चेंज अगेंस्ट टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं वैसे एंथाल्पी चेंज हेलो अगर सर, बढ़ रहा है, मतलब यस स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। सर एक आपकी सेकंड एक स्क्रीन सेकंड दिख रही है। हाँ एक सेकंड एक सेकंड हाँ अभी आ रहा है विजिबल। यस सर, यस सर हाँ हाँ एक सेकंड हाँ। सी आई रियली डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वेदर इट इज इन डिवाइस और इन समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट वील हैव टू बेयर फॉर सम टाइम। ओके एंड आई होप यू विल कोऑपरेट विथ मी। आई होप अभी कुछ वो स्टेबल है, आई थिंक सो। अगर कुछ मतलब तुम्हें विजिबल नहीं हुआ अचानक से, तो जोर जोर से चिल्लाओ मत, कोई तो एक बोलोगे, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पर थे कि चेंज इन एंट्रोपी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो डेल्टा एच वर्सेस टी, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंथाल्पी चेंज भी बढ़ते जाएगा, मतलब डेल्टा एच विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, करेक्ट? तो ये वैल्यू जब
जितनी ज्यादा होगी मतलब डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव, तो डेल्टा एस का मतलब क्या होगा बच्चों, डेल्टा एस इज नथिंग बट एस टू माइनस एस वन। तो ये पॉजिटिव होना मतलब एस टू मस्ट बी ग्रेटर देन एस वन, करेक्ट। फाइनल स्टेट की एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी से ज्यादा होगी तभी जाकर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। तो मैं देखो एंट्रेंस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये मैं पहले बता देता हूं। तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी डिसोसिएशन ऑफ NaCl, देन डिसोसिएशन ऑफ शुगर, देन डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ये ना मैंने चार एग्जाम्पल्स लिखे तुम्हारे सामने बच्चों, तो तुम लोग मुझे रिप्लाई दो, चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर ये जो फिनोमिनन होगा उसमें ओवरऑल इफेक्ट के बारे में सोचो, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा रिप्लाई में, चैट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दो। आई विल कम टू नो, चार या पांच बच्चों का रिप्लाई मिला है मुझे। पहले एग्जाम्पल में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर में एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। सबका जवाब देखकर मत बोलो, अपना खुद का दिमाग लगाओ और चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो। ओके, अपूर्व पाटिल कैन यू प्लीज अनम्यूट यूर सेल्फ। अपूर्व पाटिल, हेलो अपूर्व, अपूर्व पाटिल आई थिंक यू कैन अनम्यूट बाय यूर एंड ऑल्सो। मला परत ते अपूर्व नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है वो। एनीवेज, उसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर में एंट्रोपी विल डिक्रीज, ये उसका आंसर है। मैं अभी बोल देता हूं, ओवर हियर एंट्रोपी डिक्रीजेस, ओवर हियर एंट्रोपी इंक्रीजेस, ओवर हियर शुगर में भी एंट्रोपी डिक्रीजेस एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये फिनोमिनन कुछ ऐसे होंगे। देखो अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, तो क्रिस्टलाइजेशन में लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस होती है, बराबर। यहां पे लिक्विड से सॉलिड बनेगा मतलब लिक्विड्स आर हाईली रैंडम, सॉलिड्स आर लीस्ट रैंडम, तो रैंडमनेस कम हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, बराबर। लेकिन डिसोसिएशन ऑफ NaCl, ये जो NaCl सॉल्ट रहता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स। मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल था उससे दो आयन्स बन गए, दोनों आयन्स मूवेबल है, मोबाइल आयन्स है वो। जहां पर एक सॉलिड था वहां पे दो अलग अलग पार्टिकल्स बन गए, मतलब क्या हुआ, सेपरेशन की वजह से मोबिलिटी बढ़ गई, मोबिलिटी ऑफ आयन्स बढ़ गई, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। फर्दर डिसोसिएशन ऑफ शुगर मैंने लिखा तो है, लेकिन तुम सभी को ये मालूम होना चाहिए शुगर ये डिसॉल्व होता है लेकिन वो डिसोशिएट नहीं होता। ये डिसॉल्व होता है इसका मतलब क्या है बच्चों, तो वो पूरा घुल मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन वो डिसोशिएट होकर आयन्स नहीं बनाएगा,
दोनों में फर्क है। जब हम लोग शुगर को स्टर करेंगे सॉल्वेंट में मिक्स करके, वाटर में मिक्स करके, तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, यू कैन नॉट सी द सेपरेट सॉल्यूट, करेक्ट। लेकिन वो डिसोशिएट लाइक NaCl, ये कैसे आयन बना रहा है, कैटायन आना है, इस तरीके से शुगर कभी आयन्स नहीं बनाता। मतलब क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज ही होने वाली है एट द एंड। एंड फर्दर डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो, Na2SO4, सी आई नो यू ऑल्सो माइट बी गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस ऑल, बट आई ऑल्सो डोंट नो एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग वॉट इज द प्रॉब्लम, वेदर इट इज इन डिवाइस और इन समथिंग एल्स, दैट इज नॉट श्योर फॉर मी। हाँ नहीं, आई नो नजरीन, सबके साथ होता है वो, इट्स ओके। या थैंक यू सो मच फॉर दिस कोऑपरेशन। हाँ चलो, ये जो तीन रिएक्शन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, तुम्हें मुझे ये बताना है बच्चों, इसमें से नेगेटिव एंट्रोपी चेंज कौन से एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। नेगेटिव एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, किसमें देखेंगे। यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। हाँ एवरीवन, एम आई ऑडिबल। यस ना, हाँ तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों में से, यस केतन का रिप्लाई मिला, मैंने पूछा है डेल्टा एस नेगेटिव किसमें मिलेगा। देखो अब तुम्हें, अच्छा यश का रिप्लाई मिला है मुझे, केतन का मिला है, गिरिजा का भी मिला है आई थिंक सो, पुनीत का मिला है, जानवी का भी मिला, नजरीन का मिला है रिप्लाई। ठीक है अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है, तीसरा वाला एग्जाम्पल थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दो रिएक्टेंट है इसमें और उसमें से एक तो सॉलिड है, तो ये तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है सॉलिड कार्बन, क्योंकि सॉलिड्स की एंट्रोपी ना होने के बराबर है, करेक्ट। तो अब ये एलिमिनेट करो, बचा देखो क्या, यहां पे हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है जिसके दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों के दोनों गैसीय स्टेट में है, ठीक है। और यहां पे मीथेन का एक ही मॉलिक्यूल बना, मतलब देखो अभी क्या हुआ, रिएक्टर में दो गैसेस थे, यहां पे एक ही गैस मॉलिक्यूल है, मतलब रैंडमनेस कम हुआ। तो S1 और S2 अगर करेंगे, S1 इज ग्रेटर देन S2, तो यहां पर हमें डेल्टा एस की वैल्यू S2 माइनस S1 दैट वुड बी नेगेटिव, इजंट इट। लेकिन इससे भी ज्यादा नेगेटिव हमें यहां पर मिलेगा, देखो, क्योंकि यहां पे दो रिएक्टेंट्स है, दोनों के दोनों गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, मतलब यहां पे चार गैशियस मॉलिक्यूल्स है, हालांकि यहां पे सिर्फ दो गैस मॉलिक्यूल्स है, बराबर। तो गैस की क्वांटिटी देखो कम हो रही है, करेक्ट। लेट मी स्टार्ट अगेन, डोंट वरी, आई एम ऑब्जर्विंग दिस। हाँ यहां पर देखो, तो तुम्हें फर्स्ट रिएक्शन में चार गैसियस मॉलिक्यूल्स है जो कि कन्वर्ट हो रहे सिर्फ दो गैस मॉलिक्यूल्स में, मतलब गैस की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, इसलिए इस केस में भी डेल्टा इज गोइंग टू बी नेगेटिव। लेकिन यहां पर देखेंगे सेकेंड रिएक्शन में दो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में है, यहां पे वन यहां पे वन, मतलब यहां पे भी टोटल दो मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में है, तो डेल्टा एस विल बी व्हाट, जीरो, समझा।
अब कैसे देखना होता है एंट्रोपी चेंज, एवरीवन अंडरस्टूड? आई होप सो। ओके ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, गिब्स फ्री एनर्जी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, वो आज हमें लिख लेना है। चलो स्टार्ट टू नोट डाउन। मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दो। टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, following criteria is considered. Number one is if delta G less than zero. अब delta G का मतलब क्या है? Gibbs free energy change. पहले ये criteria लिखो, उसका explanation देखते हैं। If delta G less than zero, process is spontaneous. Process or reaction, ठीक है? Process or reaction is spontaneous. फिर दूसरा criteria, if delta G greater than zero, process is non-spontaneous. And third criteria, if delta G is equal to zero, process is in thermodynamical equilibrium. ये तीन criteria लिख लो पहले। किसी ने तो अभी जस्ट एक मैसेज किया है, जरा प्लीज फिर से करोगे? किसने किया है वो? अभी जस्ट किसी ने तो मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं क्योंकि वो बाद में फिर से वो कैमरे का सेटिंग वगैरह हिलेगा तो फिर इसलिए। पूजा सर स्टार्टिंग का रिपीट करो ना। अच्छा लेकिन पूजा स्टार्टिंग का मतलब कौन सा वाला पार्ट बेटा? स्टार्टिंग का मतलब कौन सा? सेकेंड सेंटेंस। अच्छा, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड, ये लिखा था। फिनिश्ड। अब देखो ये कहां से देखते हैं हम लोग डेल्टा जी का क्राइटेरिया? अपने पास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेशन लिखा था, सॉरी डेरिवेशन नहीं एक्सप्रेशन, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोग एंट्रोपी देख रहे थे ये सब इसी इक्वेशन के लिए देख रहे थे। तो देखो कैसे, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, जी एच एंड एस, ये तीनों के तीनों बच्चों स्टेट फंक्शंस है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। तो जो स्टेट फंक्शंस होते हैं हमें ये मालूम है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग सिर्फ प्रोसेस के या रिएक्शन के शुरू होने से पहले और शुरू खत्म होने के बाद में यही दो वैल्यू इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही दे सकते हैं, करेक्ट? इसलिए अपना एक्सप्रेशन क्या बनता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बनेगा। क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दिया है, एंथाल्पी का चेंज दिया है, एंट्रोपी का भी चेंज दिया है, टेम्परेचर ये स्टेट फंक्शन है ही नहीं, करेक्ट? तो अब देखो अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, ये हम लोगों ने देखा है कि एंट्रोपी चेंज हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फर्दर
कुछ क्राइटेरिया तुम्हें ध्यान में भी रख रहे हैं बच्चों, अभी अभी देखो लिखता हूं मैं, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये दो अगर होंगे तो क्या होगा? अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ ना, प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिमेंबर, एंड डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ, प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये कैसे पता चलेगा? ये भी देखो यहां पे ग्राफिकली देखो तो तुम्हें पता चलेगा, ये है अपनी एंथाल्पी H और ये टाइम वगैरह जो कुछ भी है, कोई भी फैक्टर यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंथाल्पी ऑफ रिएक्टर मैंने स्टार्ट कर दी और यहां पर मैंने ये कर्व लाया, ठीक है। ये है अपनी इनिशियल एंथाल्पी H1, ये है अपनी फाइनल एंथाल्पी H2, मतलब ये अपने रिएक्टेंट्स है, ये अपने प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब एंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या है, ये 0, 10, 25 एंथाल्पी है तो जूल में लेंगे, बराबर। तो अब H1 की वैल्यू 25 जूल है और एंथाल्पी ऑफ फाइनल स्टेट इज 10 जूल। तुम लोग लॉजिकली ये सोचो बच्चों, 25 जूल से 10 जूल कैसे पॉसिबल है, कब पॉसिबल होगा? टेल मी द रीजन। 25 जूल से 10 जूल एनर्जी आना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाय विच मैकेनिज्म? हीट लिबरेटेड, करेक्ट, वेरी गुड, रिलीज ऑफ हीट। अब ये रिलीज ऑफ हीट होना मतलब डेल्टा एच की वैल्यू देखो कैसे देते हैं, H2 माइनस H1, तो 10 माइनस 25 दैट बिकम्स माइनस 15 जूल, इजंट इट? इसका मतलब क्या है, ये हीट नेगेटिव नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव आना मतलब 15 जूल हीट बाहर लिबरेट हो चुकी है, समझा? अभी आई होप एक्सोथर्मिक का मीनिंग अभी सभी को क्लियर हुआ है, परफेक्ट एकदम, यस। तो अकॉर्डिंगली डेल्टा एच पॉजिटिव आना मतलब क्या हो सकता है, ये देखो कौन है ये, सुजीत सावंत, सर रिपीट करो ना। सुजीत, इज देयर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम एट योर होम? आई नो इट माइट बी, ए केतन अनम्यूट हो जरा, काय तू काय लिहिलं सर, कैन यू प्लीज राइट काय लिटिल? हेलो सर। हाँ बोल काय सर, थोड़ा मोटा लिया ना ते दिसत नहीं है, जूम होत नहीं स्क्रीन। अच्छा जूम पाहिजे तुला, आता बोल। हाँ हाँ आता बरोबर आहे, बर। अरे यार ये बीच बीच में कौन, ये मैसेज, एक सेकंड, तुम लोग मैसेज बहुत ज्यादा कर रहे हो चैट चैट चैट, एक सेकंड, लेकिन चैट के मैसेजेस ही मालूम नहीं पड़ रहे मुझे। देखो सुजीत सावंत जरा अनम्यूट हो। यस सर। सुजीत, क्या रिपीट चाहिए था तुझे, इसमें से क्या नहीं समझा था, देखो जरा। सुजीत मैंने कुछ पूछा है, अनम्यूट होके सिर्फ यस सर ही बोलना था, कुछ डाउट नहीं पूछना है। एक्सोथर्मिक सर। क्या? एक्सोथर्मिक। कम अगेन सुजीत, जरा नीट, जरा व्यवस्थित बोल, तुला काय डायग्राम समझ लेना, डायग्राम डायग्राम समझ ली ना? हाँ बर, एक्चुअली ना फ्रेंकली बहुत, मतलब जाने दो, अभी ऑफलाइन इज बेस्ट इन, मतलब अभी हमें ऑफलाइन का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है क्या है वो, है ना?
सर कब चालू करेंगे ऑफलाइन? ये कौन है अभी, ये किसने पूछा अभी? नजरीन ने पूछा। यस, मैंने लास्ट टाइम बोला ना, ऑफलाइन तभी शुरू होगा जब तुम लोगों का वैक्सीनेशन होगा, उसके बिना होगा ही नहीं। देखो, सभी को ये हंसी मजाक लग रहा है, बट देखो सब लोग कैसे स्माइली भेज रहे हैं, सबको बहुत पसंद आया ये कमेंट शायद, है ना? यस, बट एक्चुअली ऑल ऑफ अस वी ऑल्सो आर मिसिंग दैट एंजॉयमेंट इन दैट क्लासरूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स, समवन इज मेकिंग मिस्चीवियस बिहेवियर मीन वाइल, कोई कमेंट पास कर रहा है ऐसे, है ना? यस, एंड वी आर होपफुल दैट वेरी सून वी विल गेट बैक टू द नॉर्मलसी, दैट वेरी सून वी विल बी मीटिंग फॉर ग्रीन बोर्ड सेशन। नहीं, नजरीन, तुम्हारा पेपर कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी एट ऑल, तुम्हें तो एग्जाम देना ही है। ये अभी की जो बैच है इन्होंने बहुत पाप किए रहेंगे, इसके लिए उनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, समझा? दे आर नॉट लकी वन, डोंट वरी। एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट कि अभी तुम भी ऑनलाइन में स्ट्रगल करके, हाँ, किसी के घर में इंटरनेट होगा या नहीं होगा, वाईफाई कनेक्शन, तो तुम लोग मोबाइल डेटा, कोई किसी किसी तो घर में, हम लोग तो बहुत लकी है, लेकिन गांव के साइड में रिमोट इंडिया में देखेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, मतलब एक के ही मोबाइल में डेटा रहता है और बाकी सब लोग उसके हॉटस्पॉट पे लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यस ये सिचुएशन है बच्चों। हमें क्या है, हमें रिलायंस जियो है, हमारे पेरेंट्स अपना टॉप अप करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई सारे बच्चों के घर में वाईफाई नहीं है, लेकिन हाँ किसी गांव में तो रेंज भी नहीं है, लेकिन ऐसे भी बच्चे YouTube चैनल या फिर दूरदर्शन ने, डीडी मेट्रो ने गवर्नमेंट के कुछ चैनल्स शुरू किए थे लास्ट ईयर में, सिर्फ 12th साइंस के लिए और 10th के लिए, तो वो देख देख कर भी कई सारे बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के कंपैरिजन में जिनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही पास करना, मतलब मेहनत करने वालों के साथ अनजस्टिस इनजस्टिस हुआ ना। ऐसा क्यों हो? इफ दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग देन वाई द लेजी पीपल शुड गेट प्रमोटेड, इजंट इट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ये ऐसे इतने आलसी बच्चे जो एग्जाम कैंसिल होने की वेटिंग कर रहे हैं, यही बच्चे आगे जाकर IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो ऑपरेशन से आधा ही निकल जाएंगे, चलो प्रमोट करो इसे बोलेंगे, ढकेल तो उसे ऐसे ही बाहर स्टिचेस मार के, इजंट इट? बाकी क्या कर सकते हैं? इंजीनियर बनेगा कोई तो ब्रिज आधा ही बन के छोड़ देगा, बोलेगा वो आगे गवर्नमेंट प्रमोट कर देगा वो, है कि नहीं? तो ऐसे इंजीनियर की देश को जरूरत ही नहीं है, फ्रैंकली सेइंग। हाँ चलो, तो ये क्राइटेरिया अभी समझ में आया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सचिन, सचिन नहीं, कौन वो, सुजीत सावन, जस्ट फॉर यू दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यू। देखो अभी फिर से एक बार, एंथैल्पी के लिए मैंने एक कर्व निकाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इनिशियल एंथैल्पी, ये फाइनल पॉइंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एंथैल्पी की वैल्यू और ये वाली एंथैल्पी की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा, यहां पर 10 जूल, यहां पर 25 जूल रहेगा, तो H1 की वैल्यू 25 जूल है,
एच टू की वैल्यू 10 जूल है तो डेल्टा एच कैसे देंगे, एच टू माइनस एच वन, फाइनल एंथाल्पी माइनस इनिशियल एंथाल्पी, तो 10 जूल माइनस 25 जूल दैट बिकम्स माइनस 15 जूल। ये माइनस साइन क्या बताता है, हीट कभी नेगेटिव नहीं होती, रिमेंबर यहां पर हीट नेगेटिव नहीं है बल्कि माइनस साइन इंडिकेट्स हीट इज लिबरेटेड, हीट बाहर फेंकी जा रही है। कितनी हीट बाहर फेंकी जा रही है, 15 जूल। अब हीट अगर इवॉल्व हो रही है द प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। आई होप अभी सबको क्लियर है। एग्जैक्टली रिवर्सिबल ग्राफ, उल्टा ग्राफ एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए निकलेगा। देखो उसके लिए ये ऐसा निकलेगा, ये H1, ये H2, अगर ये 10 जूल है, ये फाइनल एंथाल्पी 25 जूल है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे देंगे, एच टू माइनस एच वन, 25 माइनस 10 दैट इज प्लस 15 जूल। ये प्लस का मतलब क्या है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, 15 जूल इतनी हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है। इज दिस क्लियर नाउ सुजीत सावंत? यस, इज इट क्लियर टू यू? हाँ ठीक है, चलो अभी जरा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं न्यूमेरिकल लिखूं क्या बोर्ड पे, तुम लोग कॉपी करोगे, लॉग कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, ठीक है? चलो अच्छा, और अभी एक और चीज मुझे बताओ बच्चों, अपने हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स हुए क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के? नहीं ना, एक ही हुआ है सर। नहीं, हेस लॉ का नहीं हुआ। कुठला हेस लॉ का नहीं झाला, नाही झाला, डेल्टा एच से एक झाला। हाँ बरं, ठीक है, चालेल। चलो एक काम करो, फिर अभी राइट डाउन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेस लॉ। चलो अब उसमें पहले तो कुछ रूल्स लिखने हैं, ठीक है? स्टार्ट टू नोट डाउन रूल्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व हेस लॉ न्यूमेरिकल्स हेलो सर। यस बोल सर। ते दिसत नाही तुम्ही लिहिले ते वरती। अरे ते, अरे ते काय करायचं, ते फक्त टॉपिक आहे रे केतन, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन हेस लॉ, ते काय महत्वाचं नाही। मी सांगतोय म्हणजे तो पार्ट दिसत नाही बोर्डचा। हा हा, मी त्याच्या खालूनच सुरू करणार आहे जेव्हा सॉल्व्ह करेन तेव्हा, डोंट वरी। चलो पहिला रूल लिखो, नंबर वन रूल लिखो, राइट डिझायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। राइट डिझायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड रूल लिखो, ऑब्टेन डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। From the given thermochemical equations, rule number 3, given thermochemical equations, given
thermochemical equations can be added, subtracted or multiplied with suitable integer, with suitable integer if required, if required. रूल नंबर फोर. अब रूल नंबर फोर को ना एस्ट्रिक मार्क करके लिखो या हैश मार्क करके. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. ईच गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ईच गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन हैज टू बी यूज्ड has to be used at least once, has to be used at least once. Then rule number five, mathematical operation. थर्ड रूल रिपीट करा प्लीज. थर्ड रूल काय होता गिरिजा सांग मला. मी सांगतो रिपीट करतो. रूल काय होता सांग मला पटकन. गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स अँड ऍडेड सबट्रॅक्टेड ऑर मल्टीप्लाइड त्याच्या पुढचं. अच्छा, गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स कॅन बी ऍडेड सबट्रॅक्टेड ऑर मल्टीप्लाइड विथ सुटेबल इंटीजर इफ रिक्वायर्ड. ओके सर, थँक्यू. रूल नंबर फाइव, है मनीष तेरा मोबाइल कैसे चालू होता है बीच बीच में. रूल नंबर फाइव, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन thermochemical equations, on thermochemical equations are applicable to, are applicable to corresponding, are applicable to corresponding, write this, delta H naught value, corresponding delta H naught value. Rule number six, given thermochemical equation, given thermochemical equation can be reversed, can be reversed, put a comma, its delta H naught value, same, its delta H naught value remains same, its delta H naught value remains same, only its sign changes, only its sign changes. ठीक है, रूल सभी ने ठीक से लिख कर लिए होंगे, आई होप सो. ओके, अभी इसका प्रॉब्लम शुरू करते हैं. मैं प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखता हूं,
सर सेकंड प्लीज सेकंड रूल क्या था सेकंड रूल हाँ ऑब्टेन डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ये सेकंड रूल था आई रिपीट ऑब्टेन डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ये सेकंड रूल था चलो अब प्रॉब्लम लिखना शुरू कर दो एक सेकंड हाँ क्या लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसेटिक एसिड इफ डेल्टा एफ एच नॉट सीओ टू इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ एच टू एंड डेल्टा सी एच नॉट ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये है माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल एंड 870 किलो जूल पर मोल चलो ये अपना प्रॉब्लम है लिखा सभी ने ठहरो जरा स्क्रीन गया ना आ जाएगा ये लो प्रॉब्लम सबका कॉपी करके हुआ है यस अभी कोई कुछ भी नहीं लिखेगा सिर्फ प्रॉब्लम को समझ लोगे प्रॉब्लम पूरा एक साथ कॉपी करना है तुम्हें ठीक है पुट डाउन योर पेन एंड जस्ट लुक एट बोर्ड सबसे पहले तो हमारे जो रूल्स हेस लॉ के लिए लिख कर लिए है मतलब रूल वन हम लोगों ने लिखा है राइट डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो सबसे पहले मैं ये लाइन रब कर देता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या है CH3COOH लिक्विड एसिडिक एसिड लिक्विड स्टेट में होता है ठीक है तो कैसे बनेगा ये एसिडिक एसिड देखो कितने कार्बन है दो कार्बन है बराबर तो आई विल राइट टू कार्बन सॉलिड मैं C2 नहीं लिखूंगा ये ऐसे लिखना नहीं है क्योंकि C2 कभी एग्जिस्ट नहीं होता हम लोग कार्बन ब्लैक लेते हैं तो टू कार्बन लिखेंगे ठीक है जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसके बाद H3+H चार हाइड्रोजन के एटम्स है लेकिन हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट होता है बच्चों गैशियस फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है इसलिए 2H2 लिखेंगे तो चार हाइड्रोजन हो जाएंगे प्लस दो ऑक्सीजन भी है तो सिंपली राइटिंग O2 गैस करेक्ट तो टू कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग CH3 से और एसिडिक एसिड ये बन गया इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच नॉट फाइंड आउट करनी है समझा वेरी क्लियर ये डिजायर्ड इक्वेशन मैंने तैयार किया है ये डिजायर्ड इक्वेशन पहले तो कैसे किया ये सबको समझा तुम्हें सिर्फ जो कंपाउंड पूछा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सपोज सपोज हाँ
अगर मैंने पूछा होता इथेनॉल फॉर्मेशन करो, तो इथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, उसके बाद कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो आई विल बी राइटिंग 2C सॉलिड। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 6, लेकिन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसके लिए मैं लिखूंगा 3H2, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। प्लस अब यहां पे जो O2 है, O2 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमें कितने चाहिए, एक ही चाहिए ना, मतलब इसका आधा लगेगा, तो 1/2 O2। इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को तैयार कर सकते हैं। ये डिजायर्ड इक्वेशन कैसे किया वो समझा सबको, मैं बोलता हूं पुनीत, डोंट वरी, मैं बोलता हूं सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर ये अपना डिजायर्ड इक्वेशन है, तो ये 3 हमें क्या दिए हैं, दीज आर एक्चुअली अवर गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बच्चों। लेकिन अब तुम लोग ये सोचोगे कि इसमें इक्वेशन किधर है, ये तो सिर्फ डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी है, बराबर ना, लेकिन यहां से हमें इक्वेशन तैयार करने हैं। कैसे करेंगे देखो, डेल्टा एफ एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, आई रिपीट, स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ, सी स्टैंड फॉर पुनीत कंबशन, एसिटिक एसिड के कंबन की स्टैंडर्ड एंथाल्पी वैल्यू है इतनी, ठीक है, तो अभी वो मैं लिखता हूं। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग CO2, ये पहला इक्वेशन आया, मतलब CO2 गैस फॉर्म हो चुका है देखो, जिसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना था, -393.5 किलो जूल पर मोल। फिर दूसरा इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2O लिक्विड, वाटर का फॉर्मेशन किया है मैंने, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है वाटर में, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1/2, एंड डेल्टा एच नॉट वॉज -285.8 किलो जूल पर मोल। एंड लास्ट में एसिडिक एसिड CH3COOH लिक्विड प्लस उसका कंबशन, कंबशन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोकार्बन ही है बच्चों, तुम लोगों ने टेंथ में सीखा है कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होता है तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज CO2 एंड H2O। तो इसे बैलेंस फॉर्मेट में लिखो, 1 और 2 दो कार्बन है, तो मैंने पहले कार्बन को बैलेंस किया 2C, 3+1 चार हाइड्रोजन है, तो यहां पर मैं 2H2 लिखूंगा, एंड नाउ 2 2s are 4, 4+2 6 ऑक्सीजन है, 6 में से 2 यहां पर चले गए एसिडिक एसिड में, तो आई विल बी राइटिंग 2O2 ओवर हियर। सो ये 3 जो है अपने गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आ चुके हैं। ये कैसे लाए हैं, ये सबको क्लियर है अभी, गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैसे आए हैं, ओके ठीक। अभी तुम्हारे रूल के हिसाब से चलना है, हमें क्या करना है, पहले हेस लॉ के न्यूमेरिकल का पर्पस देखो, हाँ पर्पस क्या है, हमें 1, 2, 3 ये तीनों इक्वेशन को यूज करना है, और हमें ये इक्वेशन लाना है, ये ब्लैक में लिखा हुआ डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन लाना है, ये अकॉर्डिंग टू रूल 2 है देखो, अकॉर्डिंग टू रूल 1 हम लोगों ने डिजायर्ड इक्वेशन लिखा है, जो डेटा दिया गया था उससे गिवन इक्वेशन लिखे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हमें 3 इक्वेशन को यूज करना है और डिजायर्ड इक्वेशन लाना है, समझे ना, जिसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को तुम्हें जैसे चाहिए वैसे उस सीक्वेंस में लिखो,
इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 2 3, इक्वेशन 1 3, तुम्हें जो सीक्वेंस लगेगा उस सीक्वेंस में तुम लोग इन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें जरूरत लगती है किसी इक्वेशन को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की, लाइक मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो वो भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, ठीक है। लेकिन फोर्थ रूल जो मैंने बोला था हैशटैग करके, अगर तुम्हें से कोई भी सॉल्व करते वक्त में किसी को भी एक ऐसा स्टेज आया और तुम्हें लगा अरे अपना 3 इक्वेशन दिए हैं और 3 में से सिर्फ 2 इक्वेशन को, किसी भी 2 इक्वेशन को यूज करके मुझे डिजायर्ड इक्वेशन आ गया, यू आर रॉन्ग देयर। आई रिपीट, यू आर रॉन्ग देयर। अगर 3 इक्वेशंस दिए हैं तो तीनों इक्वेशंस को कम से कम एक बार यूज करना ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रखोगे सब लोग, ठीक है। सो अभी मैं ऑपरेशन स्टार्ट कर देता हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे देखो, और तुम्हें ये पता कैसे चलेगा क्या करना है, पहले कौन सा इक्वेशन ऐड करेंगे, कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाइट सिंपल, सबसे पहले तो दिमाग ठंड रख के सोचने का ना? हमारे रिएक्टर में क्या क्या है देखो, हमें 2 कार्बन चाहिए, बराबर। इक्वेशन 1 में देखो 1 कार्बन सॉलिड है ना। अगर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CS आ जाएगा, बराबर। फिर देखो 2H2 चाहिए दूसरा रिएक्टर डिजायर में, और ये वाला इक्वेशन देखो H2 गैस है लेकिन एक ही H2 है, अगर इसे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 आ जाएगा, बराबर। और अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट में 2C+2H2 आ जाएगा, बाकी का तो अपने आप हम लोग निपट लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 बाय 2। तो अपना इक्वेशन देखो क्या मिलेगा नया, इक्वेशन नंबर 4 में लिखता हूं 2 carbon solid + 2 O2 gas giving 2 CO2 gas, ये इक्वेशन 4th आया। इक्वेशन 5th हमें मिलेगा 2 H2 gas + यहां पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहां पर बचेगा सिर्फ O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड। ये दो इक्वेशन आ गए। लेकिन इससे बाद वाला मतलब रूल नंबर 5 देखो, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग डेल्टा एच नॉट को भी अप्लाई होगा। मतलब डेल्टा एच नॉट को यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो नई एंथैल्पी वैल्यू देखो क्या बनेगी, दिस बिकम्स -787 किलो जूल पर मोल एंड दिस बिकम्स -571.6 किलो जूल पर मोल। ये अपनी नई एंथैल्पी की वैल्यू बनेगी। ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 कैसे आए और डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या मिला है, सबको समझा है ये एवरीवन? अपना कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल लूज मत करो। ये प्रॉब्लम एक बार समझ में आया ना क्या करना है, अपने 4 मार्क फिक्स है बोर्ड में। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये नए जो इक्वेशन है इक्वेशन 4 और 5 इसे ऐड अप करूंगा। तो आई विल बी राइटिंग एडिंग 4 and 5। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट अभी एक साथ लिखता हूं देखो, 2C solid + 2H2 gas + 2O2 + 1O2, that becomes 3O2 giving 2CO2 gas + 2H2O liquid,
तो ये डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी एड अप होगी, तो टोटल क्या होगा देखो 0.6815 किलो जूल पर मोल, और ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 6। हम लोग अभी एंड तक जा रहे हैं, देखो अपना फाइनल इक्वेशन अभी बहुत पास में है। कैसे देखो, हम लोगों ने पहला और दूसरा इक्वेशन तो यूज किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ईच इक्वेशन कम से कम एक बार यूज करना है, और अपना थर्ड इक्वेशन यूज करना भी बाकी है, बराबर। और सरप्राइजिंगली ये देखो दोनों के प्रोडक्ट्स सेम है ना, अगर दोनों के प्रोडक्ट सेम है तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3 कर दो, अब समझा, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, पहले इक्वेशन 6 के रिएक्टेंट लिखता हूं, 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस 3O2 गैस माइनस, इक्वेशन 6 के रिएक्टेंट है माइनस इक्वेशन 3 के रिएक्टेंट, CH3COOH लिक्विड, ये प्लस विल बिकम माइनस 2O2 गैस गिविंग, इक्वेशन 6 के प्रोडक्ट लिखता हूं, 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड माइनस इसके प्रोडक्ट 2CO2 गैस माइनस 2H2O लिक्विड, ये तो पूरा टर्म कैंसल हो जाएगा, 3O2 माइनस 2O2 1O2 बचेगा, ये हमें 1O2 ही चाहिए देखो, और माइनस एसिडिक एसिड एरो के उस साइड पे जाके प्लस एसिडिक एसिड बनेगा, मतलब ये अपना डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन मिल चुका है। एवरीवन वेरी क्लियर दिस इज, बच्चों गिरिजा भक्ति केतन 100% अंडरस्टूड, अरे वाह कुणाल, हाँ यस जानवी, मतलब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करोगे फिर, अरे वाह पहले ही फटके में समझ में आया, अरे सबको जबरदस्त, अरे वाह सना, हाँ बोलो सर, वो इक्वेशन 4 का डेल्टा एच नॉट है तो वो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना उसको भी, हाँ हाँ सर, ओके चलो आप कॉपी कर लो ये, लेकिन ये एक सेकेंड ना, ये ऐसे नहीं लिखोगे, ये सिर्फ गिवन इक्वेशन है ना, तो ये गिवन इक्वेशन के फॉर्म में ही लिख लो, हाँ बोलो बच्चों क्या क्या डाउट है, तुम लोग कितने मैसेज कर रहे हो, वन बाय वन जरा, सर फाइनल ला एच नॉट ची वैल्यू काय येते, फाइनल ला एच नॉट ची वैल्यू केतन इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3 है ना, मग माइनस 135.6 माइनस 870, तर तुला काय येणार, हे माइनस माइनस प्लस होणार आहे, माइनस ऑफ 6, 8, 12 कैरी 1, 2 ही एवढी यायला पाहिजे तुला किलो जूल पर मोल, माइनस ऑफ 2228.6 किलो जूल पर मोल एवढी बघ, बरोबर आहे का, जसप्रीत नजरीन करेक्ट आहे, हो गिरिजाचं एवढं मोठं हो आलंय करेक्ट आहे ना, येस अच्छा, और एक इफ यू हैव एनी डाउट ऑल ऑफ यू एक ध्यान में रखो, सबके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि उस दिन वो केतन का भी डाउट था, तो दूसरे दिन वो केतन डाउट लेकर आया था क्लासरूम में, तो आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ यू, बट
अगर जिनको पॉसिबल होगा ना तो तुम लोग क्लासरूम में आके, मतलब दो या तीन लोग ऐसे ही, 10 लोग एक साथ मत आ जाओ, 2 या 3 के ग्रुप में तुम लोग क्लासरूम में आके भी अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो. नॉट ओनली माई सेल्फ बट मेनी अ टाइम्स गीता मैम इज ऑल्सो अवेलेबल, सो शी कैन सॉल्व योर डाउट्स ऑफ फिजिक्स. मास्टर रहेंगे तो ही कैन सॉल्व डाउट्स ऑफ मैथ्स. तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो. अभी भी अगर हेस लॉ के न्यूमेरिकल में किसी को भी अगर डाउट है तो कल तो नहीं लेकिन मंडे को मैं एक कुछ फिक्स टाइमिंग में ऑफिस में रहूंगा. इफ यू वांट यू कैन मैसेज प्रदीपा मैम एंड यू कैन फिक्स द टाइम इफ यू वांट टू मीट. ठीक है. बट आई होप आज का भी पूरा कंटेंट सबको अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है सभी के. यस आई थिंक गिरिजा मॉर्निंग में 10:30 to 1:30 तो मैं यहाँ वहां पर रहूंगा ही. After 1:30 or after 12:30 you can be there. ठीक है. And one more thing everyone just listen carefully. अभी तो ये चलो इसमें log use नहीं करना है लेकिन कई सारे बच्चे log में mark खाते ही खाते हैं. If I'm not wrong, अगर तुम में से किसी को भी log का भी problem है, सबसे पहले तो तुम लोग स्टडी लाइव पे लॉग का एक सेशन गीता मैम ने एक्सक्लूसिवली लिया है वो पढ़ोगे, वो देखोगे. अगर फिर भी कुछ डाउट है तो तुम लोग क्लासरूम में फटाफट आने वाले 2-3 दिनों में तुम लोग लॉग पूरा डाउट सॉल्व करके लोगे. क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर अपना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमें भर भर के लॉग है, समझा. तो उसमें किसी को भी यहां पे ट्रेनिंग नहीं मिलेगा बोर्ड पे. चाहिए तो तुम लोग डाउट सॉल्व करने के लिए आ जाओ. लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, बार कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वी विल बी देयर. लेकिन 10-12 लोगों के ग्रुप में नहीं आना है, 3 या 4 के ही ग्रुप में आना है. टाइमिंग अलग अलग हो सकता है तुम्हारा. ठीक है. आई होप नाउ आई एम वेरी मच क्लियर. यस चलो. सो विल स्टॉप हियर फॉर अ डे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.